इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल हमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज़ करने के लिए अकल मंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए सादा दिलों को होश्यारी जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फ़हीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे जिससे मिसल और तमसील को दानाओं की बातों और उनके ममों को समझ सके खुदाबंद का खौफ इल्म का शुरू है लेकिन अहमद हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं अ मेरे बेटे अपने बाप की तरबीयत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क न कर क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी ऐ मेरे बेटे अगर गुनेगार तुझे फुसलाएं तू रजामंद ना होना अगर वो कहें हमारे साथ चल हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छिपकर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं हम उनको इस तरह जीता और समूचा निगल जाएं जिस तरह पाताल मुर्दों को निगल जाता है हमको हर किस्म का नफीस माल मिलेगा हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे तू हमारे साथ मिल जा हम सबकी एक ही थैली होगी तो ऐ मेरे बेटे तो उनके हमरा ना जाना उनकी राह से अपने पांव रोकना क्योंकि उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं क्योंकि परिंदे की आंखों के सामने जाल बिछाना अब्स है और ये लोग तो अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठते हैं और छिपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं नफा के लालची की राहें ऐसी ही हैं। ऐसा नफा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है कूचे में जोर से पुकारती है वो रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है वो पुरहम बाजार में चिल्लाती है वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है ए नादानों! तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमद कब तक इल्म से अदावत रखेंगे तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ देखो मैं अपनी रूह तुम पर मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी यानी जब दहशत तूफान तो की तरह आ पड़ेगी और आफत बगुले की तरह तुमको आ लेगी जब मुसीबत और जान कनी तुम पर टूट पड़ेगी तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी और दिलोजान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार न किया उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कतल करेगी और अहमकों की फारगुल बाली उनकी हलाकत का बायस होगी लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर कार इतमान से रहेगा इमसाल की किताब उसका दूसरा बाब है मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा ख़जानों की तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मारफियत को हासिल करेगा क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है इल्म फहम उसी के मुंह से निकलते हैं वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है ताकि वो अदल की राहों की निगेबानी करे और अपने मुकदसों की राह को महफूज रखे तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा तमीज़ तेरी निगेबान होगी फहम तेरी हिफाजत करेगा ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगो से बचाए जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की कजरवी में खुश रहते हैं जिनकी ना नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और जिंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता ताकि तू नेकों की राह पर चले और साधकों की राह पर कायम रहे क्योंकि रास्तबाज़ मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे लेकिन शरीर जमीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे आमीन